होटल मैनेजमेंट की स्टडी की थी। स्टडी करने तो बाद ITC और ताज वर्गे होटलों के काम किया। काम करते करते घर पिता जी की डैथ हो गई। पिता जी की डैथ तो बाद घर एक चोरी हो गई बहुत वड्डे लैवल की। तो मदर का यही कहना सी मैनू तेरे पैसों की लोड़ नहीं हैगी, तू वापस हुशियारपुर आ जा। तो वापिस आ गया हुशियारपुर। आने तो बाद कदे किसी जगह काम करा, कदे किसी जगह काम करा। काम करते करते एक दुकान पर काम किया जिथे मेरा मन ना लगे काम करते। तो जेडे दुकान के मालक से उन्होंने मैंने पूछा तू इनिशिएटिव लैके काम नहीं कर रहा, की गल हो गई है, की दिक्कत है। मैं उन्होंने कहा कि मेरा ये काम नहीं है। तो उन्होंने मैंने पूछा कि तू की करना चाहना। जो मैं उन्होंने दसिया कि मैं होटल मैनेजमेंट किया होया, तो होटल मैनेजमेंट करन तो बाद मेरी ये स्टडीज़ हैगी हैं, मैं आ काम करना चाहना। तो उन्होंने मैं ना नहीं की काम करन तो। उन्होंने मैं एक बूस्ट जहा दिता कि तू काम कर। उन्होंने मैं ये पूछा कि काम की करेंगा। जो मैं उन्होंने कहा कि मैं बर्गर की रेहड़ी लावगा क्योंकि मेरे को इन्ने पैसे है नहीं कि मैं एक दुकान खोल सका। तो उन्होंने कहा ठीक है बर्गर की रेहड़ी ला ला, कोई दिक्कत नहीं, बट तेरे बर्गर से इदा की गल होएगी, बर्गर तो ऑलरेडी मार्केट के बहुत बिकते हैं। उन्होंने मैं दसिया कि मेरे बर्गर जोड़े ऑयल फ्री होंगे। जो मैं ये गल कही कि ऑयल फ्री होंगे तो उन्होंने मुँह चो एक छोटी जी आवाज़ निकली सी, दैट इज़ वाओ। सो वह वाओ ही है अज मेरे नाल कि मैं ऑयल फ्री बर्गर बेच रहा पिछले 4 सालों तो। 17 जुलाई 2016 की गल है जो मैं एक रेहड़ी लाई, और 17 फरवरी 2017 की गल है कि मैं रेहड़ी तो दुकान पर आ गया सिर्फ 7 महीने के। 7 महीने काम करता रहा रेहड़ी पर। तो एक दिन मेरे ना की इंसीडेंट होया कि मेरे रेगूलर गैस जोड़े मेरे को आते थे वो मेरी रेहड़ी के बैकसाइड बैठे थे। जो बैठे थे तो उन्होंने मेरे तो कैचअप मंगी। जो मैं उन्होंने कैचअप दी तो मैं देखा यार वो थले बैठे, तो मैं बड़ा शर्मिंदगी जी फील हुई। शर्मिंदगी फील हुई तो मैं सोच लिया कि दुकान पानी है। और तुम पिछली वीडियोज़ के भी देखा होना मेरी दुकान। तो दुकान के अंदर आ गया, बहुत वधिया रिस्पोंस मिलया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। उन्हें कई गैसट ने, कई कस्टमर जिदा तो कहने असी लैंग्वेज गैसट कहते, उन्होंने मैंने सुजैशन भी दी कि तुम इदा करो। मैं वो सब करता रहा। एक साल होया 2017 25 दिसंबर में मैं एक 8 किलो का बर्गर बनाया जिदा बेस का वेट ही नीयर अबाउट 3.5 किलो सीगा। उसके अंदर मटीरियल पा के वेट 8 किलो होया। उस तो मैनू होर ज़्यादा लाइक एप्रीशिएशन मिली। ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा, बहुत एप्रीशिएशन मिलता रहा। तो मैं बहुत सारी इनक्वायरीज आदि सी तुसी एक आउटलेट होर खोलो, जलंधर खोलो, लुधियाना खोलो, दिल्ली खोलो, चंडीगढ़ खोलो, ये सब चलता रहा। लेकिन मेरा मूड सीगा कि मैं अपना आउटलेट खुद खोला, बट मन नहीं मानता सीगा, मूड तो सीगा। फिर मेरा एक फ्रेंड जिहड़ा लुधियाने का आउटलेट देख रहा है अशम, ही इज़ लाइक माई कुलीक भी कह सकता, मेरे नाल काम किया उन्होंने। मेरा नाम अशम है, उन्हें तुम शरण जी ने देखा होगा थोड़ी देर पहले, उन्होंने मेरा नाम लिया सी। सो मैं लुधियाने वाली फ्रेंचाइजी देख रहा इतने। तो अपना जरा शॉप हैगी है ये हैगी ऋषि नगर के 105 बूथ नंबर हैगा नियर SBI ATM। सो अगर मैं गल करा अपनी, तो मैं भी होटल मैनेजमेंट की हुई है शरण भाजी वांगू। तो उस तो बाद मैं एक बहुत अच्छे ब्रांड के काम किया, दैट इज़ डोमिनोज। तो असी दोनों ने काम किया, साडा अपना कोलैबोरेट खुद होया क्योंकि टेस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, क्वान्टिटी सेम है। मैं मेन चीज़ अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी, दैट्स इट, होर कुछ नहीं देखता। जो मैं क्वालिटी सेम दवांगा क्वांटिटी ऑटोमैटिकली सेम आएगी, पोर्शन ऑटोमैटिकली सेम आएगा जिहड़ा फूड का होंगे, ठीक है जी। और तुसी खाओगे तो तुहानू वही टेस्ट मिलेगा। और मैं अज जिहड़े बर्गर बनाए हैं नियर अबाउट 17-18 तरीके के बर्गर बनाए हैं इत्थे, तुसी देख भी ले होने हैं। उस दे भी सब तो पहला एक माय बर्गर बनाया, ठीक है। कुछ बर्गर जिहड़े इत्थे मिलणगे, कुछ बर्गर जिहड़े हुशियारपुर मिलते हैं तुहानू, ठीक है। सब तो पहला माई बर्गर बनाया, उस तो बाद हमटी डमटी बनाया, फिर मैं आलू टिक्की बर्गर बनाया, आलू टिक्की दे नाल ही मैं आलू टिक्की चीज़ बर्गर बनाया, उस तो बाद मैं मैक्सीकन बर्गर बनाया, और मैक्सीकन तो बाद मैं एक हार्ट अटैक बनाया, एंग्री बर्गर बनाया, बूम बर्गर बनाया। ये सारे बर्गर के ही नेम हैगे है, ठीक है, कोई शौक ना हो। बूम बर्गर तो बाद बाहुबली बर्गर बनाया, बाहुबली बर्गर तो बाद मैं एक उल्टा पुल्टा बर्गर बनाया, और एक रीसेंटली लॉन्च किया बटाटा वड़ा बर्गर। एक बर्गर मेरा रह गया, उसकी प्रिपरेशन मैं तुहानू हुण दिखावांगा। वो इस करके रह गया, उसनू मैं स्पेशलिटी देना चाहना। हर कोई कहता है कि सानू आलू नहीं खाना असी, ठीक है, एग्री करते हैं। कोई कहता असी मैदा भी नहीं खाना, बन जिहनू कहिंदे आ आपां, वह भी एग्री करते हैं। बन फ्री बर्गर विदाउट आलू टिक्की
एक बर्गर यूनीक इदा का हैगा है जो मैं तुम्हें हूँ अपनी वीडियो के लाइक थोड़े सामने प्रजेंट करा। हम बन फ्री बर्गर बनावे जो विदाउट आलू टिक्की और विदाउट बन होएगा। सब तो पहला आप पनीर नू ग्रिल किया थोड़ा जहा, उस तो बाद फ्रैश लैटस कह लो या आइसबर्ग कह लो जो थोड़े को ईजीली अवेलेबल हो बना सकते हो। इन्हों आप राउंड शेप के कट कर लिया, ठीक है जी। कट करन तो बाद सब तो पहला आप अंदर मेयोनीज थोड़ी जी लगावे। मेयोनीज लगाने तो बाद थोड़ा जा कॉर्नस, चॉइस इज योर्स, तुसी जो पाना चाहो तुसी पा सकते हो। हल्का जा स्पाइसीनेस देने लई रेड पैपरिका, उस तो बाद ग्रिल्ड पनीर। ग्रिल्ड पनीर तो बाद आप एक चीज स्लाइस लगावे, ठीक है जी। हाँ चीज स्लाइस लगाता, उस तो बाद आप कैप्सीकम पानी है, फ्रैश कैप्सीकम, कैरमलाइज अनियन, ठीक है जी। हल्की जी बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू सॉस लगाने तो बाद कुकुम्बर टमैटो, कुकुम्बर टमैटो लगाने तो बाद जो सा एक ग्रिल्ड पनीर हैगा अनदर वन, वो थोड़ा जहा टॉपिंग करनी है आप हरीसा या चिपोटले जो थोड़े को ईजीली अवेलेबल होवे विद एलोपिनोज और साडे बर्गर नू नज़र ना लगे तो आप हल्के जे ब्लैक ऑलिव जरूर पावांगे। और बर्गर नू बंद करन तो पहला हल्की जी इस बेस ते कॉकटेल सॉस और साडा बन फ्री बर्गर रेडी है। तुसी आ देख सकते हो, ये बर्गर बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशल ऑर्डर ते ही बनता है, ठीक है। स्पेशली तुहाडे लई जदों तुसी आओगे डेफिनेटली वी विल मेक ऑन ऑर्डर एट हुशियारपुर स्टोर। थैंक यू वेरी मच।